आप देखो आसाम की क्या दर्जा होती है देश। मैं आपको यकीन दिलाने जाता हूं आज, और आज तो हम लोग शुरुआत की है, जहां पे आपको जो सहायता की जरूरत पड़ेगी हम लोग चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे, जैसे मैंने पहली बार कहा। लेकिन ये लड़ाई मरते दम तक लड़नी है। आप सोचो अगर 2 साल हमारे पास समय है, त्रिपुरा में हम गए, 3 महीने में चुनाव हुआ, म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, वहां पे 20% वोट लेके तृणमूल कांग्रेस आया 3 महीने में। तो आसाम में तो 2 साल समय है हमारे पास, चलो 2 साल नहीं है 1.5 साल है। 1.5 साल मतलब इतना समय अगर हम लोग एक साथ जमीन में पड़े रह के, अपने दिशा में अड़े रह के अगर काम शुरू करें, तो इनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी ने करके दिखाया ना बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस ने करके दिखाया, और देखो ऐसे हराया क्या, ऊपर से डेली पैसेंजरी करने में भी लोगों को शर्म आता है। जब इलेक्शन आएगा तब आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, खाली जुमला के ऊपर जुमला। तो इनका जो जुमला है इसके खिलाफ में जो लड़ाई करना है, आपको सही फैक्ट और फिगर सामने रख के लड़ाई करना है। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि भाई गवर्नेंस के मुद्दों पे लड़ाई होना चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दों पे लड़ाई होना चाहिए, आप तय कर लो कहां लड़ाई करना है। असम में लड़ना है, दिल्ली में लड़ना है, गुजरात में लड़ना है, आप चैनल ठीक कर लो, समय ठीक कर लो, मुझे बता देना। अपना रिपोर्ट कार्ड आप लेके आना, मैं रिपोर्ट कार्ड अपना लेके आऊंगा, और जनता को तय करने दो कौन सही है कौन गलत है। क्या गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पॉलिटिक्स, राजनीति या चुनाव धर्म के नाम पे होना चाहिए या डेवलपमेंट के नाम पे होना चाहिए? इसके नाम पे होना चाहिए। डेवलपमेंट की बात करते हैं ये लोग, खाली बोलते हैं डबल इंजन सरकार। अरे भाई 6 साल से तुम्हारा डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? मतलब डबल चोर, यहां भी लोग चोरी करेंगे, दिल्ली में भी चोरी करेंगे, और कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। और कोई किसी का चोरी नहीं पकड़ेगा, ना सीबीआई इसके पीछे लगेगा, ना ईडी इसके पीछे लगेगा। यहाँ के लोग जो बीजेपी में आए हुए हैं, सीबीआई पकड़ा, ईडी पकड़ा, नहीं पकड़ा, क्यों? बीजेपी में आ गए तो राजा हरिश्चंद्र बन गए, और अपोजिशन में रहेंगे तो वो लोग चोर। प्रेस नोटिस मुझे भेज दिया, दराड़ है, धमकाड़ है। अरे तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो। तृणमूल कांग्रेस जब घुसा है, इसका अंत देख के हम लोग छोड़ेंगे, और स्टेट में कितनी ताकत लगानी पड़े पार्टी की तरफ से हम लगाएंगे। कांग्रेस की तरह हम लोग नहीं है, मैं सम्मान करता हूं हर एक पार्टी का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि खाली बैठ के बड़े बड़े भाषणबाजी से देश और प्रदेश नहीं चलता है। ये सुष्मिता या रिपुन जी जो आए हैं, और तृणमूल कांग्रेस में दीदी का नेतृत्व में शामिल हुआ है, क्यों? क्योंकि ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इनको लड़ाई लड़ने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है। इन लोगों को लगता है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस वाले लड़ने नहीं देता है। और बाकी जो 2-3 दल है जिनके साथ अलायंस करके ये लोग लड़ रहे हैं, इनका क्या अंडरस्टैंडिंग है मुझसे ज्यादा आपको पता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, तृणमूल कांग्रेस कुछ भी हो, मरते दम तक आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करेगा, आपके भरोसों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। आपने हर एक पार्टी को मौका दिया, एक बार आप तृणमूल कांग्रेस को मौका दो, और उस शुरुआत के लिए अभी से हम लोग को काम करना पड़ेगा। और 2024 में 26 में तो जब विधानसभा चुनाव होगा हर एक सीट में तृणमूल कांग्रेस लड़ेंगे, लेकिन 14 में 10 सीट जिताना है।